नमस्कार, आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योयोगी में। दोस्तों, आजकल लगभग लगभग सभी घरों में बच्चे कृमि से बहुत अधिक परेशान होते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चे बाजार में मिलने वाली एलोपैथिक दवाएं जैसे एलवेंडाजोल, मेवेंडाजोल या सरकारी योजना के अंतर्गत जो एलोपैथिक दवाइयाँ मिलती है उसे खाते हैं। उससे कुछ समय के लिए उनको कृमि की शिकायत में आराम मिलता है और उसके बाद फिर से पेट में कृमि डेवलप हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि ये दवाएं केवल कृमि नाशक होती हैं, मतलब जो पेट में कीड़े हैं या जो कृमि हैं ये दवाएं उन्हें तो नष्ट कर देती है, किंतु जो नए कृमि पैदा होते हैं ये उन्हें नहीं पैदा होने से नहीं रोक पाती। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, वो बताते हैं कि इसे कृमि हो गया है और कुछ समय पहले इसने एलोपैथिक मेडिसिन खाई थी, आराम लग गया था किंतु फिर वापस हो गया। इस प्रकार से पेशेंट जो है बार बार उस कृमिनाशक दवा को देता रहता है, कृमि ठीक होती है और फिर बार बार होती रहती है। दोस्तों, ऐसे में होम्योपैथी की एक दवा सीना बहुत ही अच्छा काम करती है। सीना देने से कृमि मरते नहीं है, किंतु शरीर का वातावरण इस प्रकार का हो जाता है कि आपका शरीर उन कृमियों के लिए प्रतिरोधक की तरह काम करने लगता है, तो कृमि इस शरीर में रह नहीं पाते और वो खुद ही अपने आप किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका निर्माण हो जाता है कि नए कृमि भी वहां पर पैदा होना बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से होम्योपैथी काम करती है, आपके वाइटल फोर्स की एनर्जी को बढ़ाती है, आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से परिवर्तित करती है कि वहां बीमारियां रह नहीं पाती। इस प्रकार से सीना दोस्तों बिना किसी हानि पहुंचाए शरीर को फायदा पहुंचाती है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पर एलवेंडाजोल, मेवेंडाजोल या दूसरी अन्य प्रकार की जो एलोपैथिक दवाई आती है कृमिनाशक, उसको खाने के बाद भी लोगों को आराम नहीं मिलता और वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। ऐसे केसेस में अधिकतर ये होता है कि बच्चा कृमि से परेशान रहता है, वो अच्छे तरीके से खाता पीता है किंतु उसके बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ता, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो थोड़ा खाना खाता है उसकी भूख कम होती है, उसके कुछ देर बाद उसे फिर से वापस भूख लगने लगती है, बार बार भूख लगती है, खाना खाता है फिर भूख लगने लग जाती है। कृमि से परेशान बच्चों में यदि आप देखोगे तो वो बार बार अपनी नाक को खुजलाते हैं, वो नाक में बार बार उंगली डालेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कृमि शरीर में होता है तो वो रेंगते रहते हैं या कुलबुलाते रहते हैं, तो जहां जहां पर भी वो होते हैं वहां वहां पर इरिटेशन होता है उनके हिलने डुलने से। तो जब इरिटेशन होता है तो बच्चा जो है उसे ठीक करने के लिए वहां पर बार बार खुजलाता है। बच्चा इतना अधिक खुजलाता है कि खुजलाते खुजलाते कई बार खून भी निकाल लेता है, किंतु उसके बाद भी उसकी खुजलाहट बंद नहीं होती। ऐसे केसेस में दोस्तों सीना दी जाती है और बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर घर में माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बार बार नाक क्यों खुजा रहा है, वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है यहाँ पर ड्राइनेस हो, वो कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल लगा देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पर ऑयल लगा करके ताकि वो त्वचा जो है थोड़ी सी नम हो जाए, थोड़ी ऑयली हो जाए, किंतु उसके बाद भी खुजलाहट बंद नहीं होती क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो कृमि रहते हैं वो बार बार रेंगते हैं जिससे इरिटेशन होता है। ऐसे कैसे में दोस्तों जब सीना दी जाती है तो धीरे से वो कृमि जो है अपने शरीर से बाहर किसी भी माध्यम से निकल जाते हैं और बच्चों को इस प्रकार नाक में खुजली चलना बंद हो जाती है। तो कैसे बच्चों में सीना होम्योपैथिक औषधि देना चाहिए, यदि इसके और सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चा रात में अचानक नींद से बहुत ज़्यादा चौंक कर उठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, बच्चे के हाथ पांव थर थर आने लगते हैं, कप कप आने लगते हैं, बच्चों में ऐठन होने लगती है या बच्चे एक प्रकार से जो है बड़बड़ाने लगते हैं, दांत को किटकिटाने लगते हैं और पेट मरोड़ कर सोते हैं, अपने घुटने को पेट के पास रख करके सोते हैं। इस प्रकार से बच्चे के आप और भी सिम्टम मिलाएंगे तो आपको होम्योपैथी की औषधि सीना इस बच्चे को देना है। इस प्रकार से निर्देश आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएंगे। यदि सीना के पेशेंट को देखें तो सीना का जो बच्चा होता है जिसे सीना होम्योपैथी की औषधि असर करेगी उसके आप गालों को ध्यान से देखेंगे तो उसका एक गाल लाल दिखेगा जबकि दूसरा गाल हल्का पीले कलर का दिखेगा। एक गाल पर आप हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा गर्म लगेगा जबकि दूसरा गाल ठंडा लगेगा। सीना का बच्चा इसके साथ जिद्दी स्वभाव का होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। यदि बच्चा माँ की गोद से नीचे नहीं उतरना चाहता, जैसे ही उसे गोद से नीचे उतारते हैं वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वापस जैसे ही गोद में बिठाते हैं वो चुप हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे यदि माँ की गोद से या किसी दूसरे भी व्यक्ति की गोद से नीचे नहीं उतरना चाहे तो वहाँ पर भी इस बच्चे को सीना होम्योपैथी की औषधि देने से उसके इस चिड़चिड़ेपन में, उसकी इस बुरी आदत में आराम आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों सीना का बच्चा जो होता है वो स्वभाव से भी बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, वो किसी भी चीज़ के लिए रोने लगेगा, परंतु जब उसे वो चीज़ दी जाएगी, जैसे मान लीजिए किसी खिलौने के लिए रो रहा है परंतु जब उसे खिलौना दिया जाएगा तो उस खिलौने के लेने से मना कर देगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व सीना के बच्चे का पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि देखेंगे तो बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, सूखता जाएगा, क्योंकि वो जो भी खाना खाता है वो कृमियों को लगता जाता है, कृमि उसे हजम कर जाते हैं, उनकी पौष्टिकता कृमि ग्रहण करते हैं, कृमि की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। जबकि इसके अलावा बच्चा दिन भर खाना खाता रहता है क्योंकि जो भी वो खाता है वो कुछ समय में कृमि चढ़ कर जाते हैं, उसे वापस भूख लगती है, वो फिर खाता है,
फिर जो है खाना खाने के बाद उससे थोड़ी देर में भूख लगती है, इस प्रकार से उसका एक चक्र चलता रहता है, किंतु इसके बाद भी बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं हो पाता और दुबला पतला रह जाता है। तो ऐसे बच्चों में जिनमें कृमि के कारण उनका दुबला पतलापन हो, मोटे नहीं हो पा रहे हो, तो यहाँ पर सीना होम्योपैथिक औषधि से शुरुआत करनी चाहिए, इसके बाद अल्फाल्फा का मदर टिंचर पिलाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों सीना होम्योपैथी में कृमि को दूर करने के लिए सबसे प्रथम औषधि, और यदि एलोपैथी की काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने के बाद सरकारी योजनाओं में जो कृमिनाशक दवाई दी जाती है उसे खाने के बाद भी यदि आपके बच्चे को बार बार कृमि हो जाती है, आपने देखा होगा कि जब बच्चों में कृमि होती है तो एक खास और लक्षण प्रकट होता है, बच्चों के चेहरे पर आपको हल्के से सफ़ेद भूरे भूरे दाग दिखाई देंगे, वो आपकी स्किन से मिलते जुलते होंगे किंतु बहुत मामूली सा भूरापन उसमें दिखाई देगा, जगह जगह छोटे छोटे स्पॉट दिखेंगे, जो ये बताता है कि बच्चों को कृमि की शिकायत है। ऐसे बच्चों को भी यदि सीना होम्योपैथिक औषधि के साथ एक दो दूसरी औषधि चलाई जाती है तो बच्चों के ये जो निशान है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे ही शरीर से कृमि खत्म होते हैं, ये सारे निशान जो भी आपके लक्षण प्रकट हो रहे हैं कृमि के कारण, वो सभी लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी परेशान हो चुके हैं एलोपैथिक औषधि अपने बच्चों को खिला करके, तो सीना होम्योपैथिक औषधि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार का नुकसान बच्चों पर नहीं डालती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोटेंसी की, कि आखिर सीना किस पोटेंसी में लेना चाहिए। दोस्तों जैसे कि ये बच्चों की दवाई है, सबसे अधिक बच्चों में यूज़ की जाती है, तो इसकी जनरली 30 पोटेंसी यूज़ की जाती है। यदि 30 पोटेंसी आप डाइल्यूशन में यानी कि लिक्विड में देते हैं तो तीन तीन चार चार बूंद सुबह दोपहर और शाम दिन में तीन बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बच्चों को ग्लोब्यूल्स में देते हैं, मतलब कि जो सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ आती है उसमें देते हैं, तो 5 से 6 गोलियाँ सुबह दोपहर और शाम लगातार 5-7 दिनों तक, 10 दिनों तक या 15 दिनों तक, जैसे ही बच्चों के लक्षणों में आराम मिलता है उसके बाद इन दवाओं को देना धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप सीना होम्योपैथिक औषधि के द्वारा अपने बच्चों के कृमि की शिकायत को, बच्चों के कीड़े की शिकायतों को, और कीड़े के कारण जितने भी लक्षण होते हैं जैसे नाक का खुजलाना या दांतों का किटकिटाना या रात में एकदम से अचानक से उड़ जाना और जोर जोर से रोने लगना या बहुत अधिक जिद्दी स्वभाव का हो जाना, इस सभी सिम्टम्स में आप सभी लक्षणों में आराम दिला सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो होम्योपैथिक औषधि सीना के बारे में, जो कि होम्योपैथी में कृमियों को मारने की सबसे प्रथम औषधि और बहुत ही अधिक यूज की जाती है। बच्चों के लिए तो समझो ये कृमियों के लिए एक प्रकार की रामबाण दवाई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आपका मूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.